अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किचन विद किरण। जी तो दोस्तों, आज हम मम्मी के घर में हॉट एंड सोर चिकन वेजी सूप बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें चाहिए बारीक कटी हुई बंद गोभी, गाजरों को छील लेंगे, धो लेंगे और अच्छे से बारीक बारीक काट लेंगे। और इसके साथ हमें चाहिए काली मिर्च, नमक, सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस और कॉर्नफ्लोर। इसलिए मैं पानी लिया है और इसमें 1 kg चिकन लिया है, हरा प्याज लिया है और हमने अब चिकन को पका लेना है। ये देखें, यहाँ चिकन पक चुका है, गल चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे, इसके हमने रेशे कर लेने हैं, इसको मतलब कूट लेना है या चॉप कर लें आप चॉपर के अंदर। चिकन हड्डियों समेत था, अब हमने इसमें से हड्डियां निकाल दी हैं, ये देखें। इस तरह करके हमने इसे वापस पतीले में डाल देना है। बॉयल आ जाएगा तो इसे 2 मिनट तक पकाना है, फिर हमने इसमें बंद गोभी और गाजरें डाल दी हैं। आप इसमें 2 टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर डाल दें, जो कि हमें बाद में और डालनी पड़ी थी, सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस, ये सब ऐड कर दें। ये टेस्ट कर लें, जो चीज़ आपको कम महसूस हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखें, ये 2 अंडे हैं, इनको पहले फेंट लिया था, अब इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे हिलाते जाएंगे। इसके बाद मैंने 5 चम्मच कॉर्नफ्लोर पहले पानी में हल किया और इसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है। इससे आपका ये मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। इसे हमने पका लेना है और हमारा सूप रेडी हो चुका है। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।